हिंदू तो मैं हूँ, इसमें नो डाउट, क्योंकि मैं ऑलरेडी हिंदू हूँ। बट अफवाहों को लेकर के तो मैंने ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं देखा है। तो यहाँ पे सभी मतलब लैंग्वेज की भाषा यहाँ पे पढ़ाई जा रही है, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, संस्कृत, ऑल, ठीक है। और यहाँ पे अफवाहों का तो मुझे ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। मैं देखती हूँ बच्चे आते हैं नॉर्मली, डेली पढ़ते हैं और पढ़ के अपने घर चले जाते हैं। फर्स्ट टाइम तो मुझे भी ऐसा लगा था कि मदरसा है, कैसे जाएंगे, वहाँ पे ये सारी चीज़ें दिखाई जा रही है मीडिया में, यूट्यूब पे एंड गूगल्स वगैरह जहाँ पे भी। तो उस चीज़ों को देखते हुए तो मैं भी फर्स्ट टाइम डर रही थी, पर यहाँ आने के बाद मैंने ये ऑब्ज़र्व किया कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे बच्चे सिर्फ पढ़ते हैं और पढ़ के चले जाते हैं, और बच्चों को पढ़ने में जो इंटरेस्ट है वो भी मैंने देखा कि काफ़ी रुचि है। अगर कहीं पढ़ाई नहीं करवाई जाती, कट्टरता सिखाई जाती, तो वहाँ बच्चे पढ़ते नहीं, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता। मैं यहाँ पे फुल प्रोटेक्टेड मानती हूँ अपने आप को, क्योंकि मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगता कि मेरे अगेंस्ट कुछ भी वर्क्स यहाँ पे किया जा रहा है। बच्चे भी बहुत ही ज़्यादा फैमिलियर हैं और यहाँ के टीचर्स भी बहुत ज़्यादा फैमिलियर हैं और मेरी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर मुझे आने जाने में प्रॉब्लम होती है तो बच्चे मुझे घर जा कर के रास्ते में, स्टार्टिंग में मुझे जैसे वो रास्ते का कोई ज्ञान नहीं था, तो उन्होंने बच्चों ने मुझे जा कर के 1-2 मंथ तक मुझे वहाँ पे छोड़ा अपने साथ, इतनी कड़ी धूप में। मैंने यहाँ पे अक्टूबर में ज्वाइन किया था, अक्टूबर के मंथ में बच्चे मुझे जा कर के छोड़ते थे। अक्टूबर 2021 नहीं, ऐसा किसी ने कुछ नहीं कहा, मेरी फैमिली से किसी ने कुछ नहीं कहा। मुझे पढ़ाना है, शिक्षा बच्चों को देनी है, और मुझे लगा कि मेरी ज़रूरत ज़्यादा यहाँ पे है तो मैं यहाँ पे आई हूँ, यहाँ पे बच्चों को पढ़ाना है। जैसे कि कुछ ये मतलब इस मतलब धर्म के लोग जो है अपने बच्चों को दूर भेजते नहीं है पढ़ने के लिए, लड़कियों को मोस्टली, तो लड़कियों को पढ़ाने के लिए बेसिकली मैं यहाँ पे आई हूँ। उनको मैं जो दे सकती हूँ, जो मेरे पास अपनी शिक्षा है, मैं उनको प्रोवाइड करना चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि मेरी तरह ये भी एक टीचर बने, और इसमें से बहुत से बच्चे टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर ये बनना चाहते हैं, IAS, ये सारी चीज़ों की मतलब वो चाहते हैं कि मैं मैम डॉक्टर बनूँ, मैं टीचर बनूँ, आपकी तरह बनूँ। तो मुझे भी लगा कि नहीं, मुझे इनके साथ मेहनत करनी चाहिए, और मैं मेहनत करती हूँ। और मेरे यहाँ कोई कुछ नहीं कहता है कि आप मदरसा में जाते हो, क्यों जाते हो, वहाँ क्या होता है, ये ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं आस्क करता मुझसे, और ना ही मेरे अगल बगल कोई भी।